हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी के एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, बहुत ही नज़दीक है एग्ज़ाम डेट। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है हिंदी का दोस्तों, स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए। 25 नंबर आपके ज़रूर पक्के होंगे अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। और मेहनत तो करनी होगी क्योंकि एग्ज़ाम डेट बहुत ही नज़दीक आ गई है और बहुत ही कम समय दिया है। चलिए, अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर के आपको सब्सक्राइब की बटन ऐसी दिख रही होगी, उसको दबा लीजिए। और बगल में आपको बेल आइकन दी गई होगी, उसको प्रेस कर लेंगे, दबा लेंगे तो आपकी बेल ऐसी हो जाएगी, इससे आपको सारे नोटिफिकेशन जो भी मैं स्टडी मटेरियल अपलोड कर रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड, वो आपको सारे मिलते रहेंगे। उम्मीद है आप लोग भी मेहनत कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे अच्छे से। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 है। और दोस्तों, कमेंट करके भी बताया करें जो आपको क्वेश्चन सही लगा करे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 में दिया गया है, निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो इसमें चार वाक्य दिए गए हैं, जिसमें से आपको शुद्ध वाक्य छांटना है और रिप्लाई करना है कमेंट करके, ठीक है। तो चार ऑप्शंस कौन कौन से हैं? उसकी शंका का निवारण हो गया है, उसकी शंका समाप्त हो गई है, उसकी शंका का समाधान हो गया है, उन्हें अब शंका नहीं रही। ये चार ऑप्शंस हैं, कौन सा शुद्ध वाक्य है ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, आप यहाँ पर पढ़ रहे होंगे तो आपको सी ऑप्शन सही लग रहा होगा, उसकी शंका का समाधान हो गया है, ये वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 70 का शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। ये नहीं है वाले प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों, इस टाइम पे नहीं है वाले प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। हिंदी की अगर बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस, दानव, भूसुर, निशाचर। फटाफट कमेंट करें और ये समझ लीजिए कि आपको पर्यायवाची तो रटने ही रटने हैं, अच्छे से समझने और रटने हैं, ठीक है। समझ के रटेंगे तो आपको आगे ज़रूर उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब समझ के आप रटते हैं तो क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। चलिए, 77 का सही आंसर जो है वो आपका है भूसुर, क्योंकि भूसुर ऐसा कोई पर्यायवाची नहीं है जो कि दैत्य का हो, ठीक है। राक्षस होता है, दानव होता है, निशाचर होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण, यानी शुद्ध संयुक्त वाक्य यहाँ पर बताना है जो सही और शुद्ध संयुक्त वाक्य हो। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी, अतः दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। इन चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन क्या होगा? संयुक्त वाक्य, यानी दो वाक्यों को मिला करके अगर कोई वाक्य बन रहा है तो उसे संयुक्त वाक्य कहेंगे, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके, ठीक है। तो यहाँ पर यह आपको बताना है शुद्ध संयुक्त वाक्य क्या होगा। देखिए, यहाँ पर होगा मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ये आपका शुद्ध संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द है कौन सा होगा? कलेश होगा, क्लेश होगा, क्लेश होगा और ये क्लेश होगा, यानी शुद्ध क्लेश कौन सा होगा? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, कमेंट करें और बताएं। देखिए, क्लेश जो लिखा जाता है उसमें सलजम वाला सा होता है, नहीं ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही होगा। क्लेश लिखने में लास्ट में सलजम वाला सा होता है, नहीं ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये वर्तनी वाला शब्द बताना है इस क्वेश्चन में भी आपको। कावित्री लिखा हुआ है, कावित्री है, कावित्री है और इसमें भी कावित्री, तो सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा होगा? वर्तनी इसमें, तो सही वर्तनी बताना है कि लिखा हुआ सही शब्द होना चाहिए, शुद्ध सही शब्द, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन वर्तनी वाले आपको मिल जाएंगे, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कि सही कौन सा लिखा हुआ, एक से दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे पेपर में, ठीक है दोस्तों, ठीक है। कम से कम एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, ये श्योर है, डैम श्योर। तो 80 नंबर क्वेश्चन का फटाफट जल्दी से रिप्लाई करें। तो दोस्तों, होता है कावित्री होता है, ठीक है, या में छोटी की मात्रा और त्रा में बड़ी की मात्रा, ठीक है। चलिए, समझ गए होंगे। 81 नंबर क्वेश्चन में आते हैं,
इसमें बोला गया है कनिष्ठिका और माध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामी, अनिमिका, अनामिका, अनामिका। यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी है और यहाँ छोटी ई की मात्रा लगी है। सही ऑप्शन क्या होगा फटाफट कमेंट करके जल्दी से बताएं। तो दोस्तों अनामिका लिखते कैसे हैं? देखिए अनामिका बोलने में ही समझ में आ रहा है कि माँ में बड़ी की मात्रा ना होकर के छोटी की मात्रा होगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी, यानी ये होता है दाम, ठीक है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी यानी दाम बांधी हो उसे कहते हैं दामाद, दामाद, इतर, दाम, दामोदर। सही ऑप्शन क्या होगा? जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे क्या कहेंगे? दोस्तों दामोदर कहते हैं, ठीक है, दामोदर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अनुचर है, अनुगामी है, अनुवर्ती है, अनुगमनीय है। सही ऑप्शन क्या होगा? कमेंट करें और बताएं। देखिए कमेंट करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूं कि अगर आप क्वेश्चन समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कमेंट भी अगर साथ में करते रहेंगे तो इससे आपका आंसर देने का, रिप्लाई करने का फटाफट जो है वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बोलता हूँ कि कमेंट करके बताएं। आपको समय भी देता हूँ कि कमेंट करके आप बता सकें अपने आंसर को जो आप बोलना चाहते हैं। उसके बाद मैं आपको सही आंसर भी बताता हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपका आंसर सही था या गलत था। ठीक है, कभी कभी क्या होता है आपको जो आंसर सही लगता है वो आप लोग आंसर ना दे करके ये होता है कि नहीं ये तो मुझे आता है और इसका आंसर ये होगा, गलत भी हो जाता है कभी कुछ। वो आंसर आप देना चाहते हैं लेकिन देते हैं जब तक तब तक आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, लेकिन आपको इससे बहुत ही बेनिफिट मिलता है। ये बेनिफिट मिलता है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, आपको क्वेश्चंस पता चल रहे हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 83 नंबर का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पहला सटीक है, अनुगामी। ठीक है, चलिए पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश अनुगामी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। चौथाई शब्द में विशेषण है, चौथाई शब्द में विशेषण कौन सा होगा? यहाँ पर आवृत्ति वाचक विशेषण होगा या गणनावाचक विशेषण होगा या क्रमवाचक विशेषण होगा, कौन सा वाला ऑप्शन सही है? देखिए यहां पर आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका है अपूर्णक बोधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अपूर्णक बोधि, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं, विशेष और सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सही बताइए फटाफट जल्दी से ऑप्शन। देखिए 85 का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विशेष कहते हैं। यानी विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं दोस्तों। ठीक है, 85 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? यहाँ पर आशीन दिया गया है, अग्नि है, मधुर है, कर्मठ है। सही ऑप्शन क्या होगा? 86 का सही ऑप्शन आपका, देखिए यहाँ पर सही ऑप्शन होगा अग्नि। ठीक है, अग्नि यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलेंगे, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अनुचर, परिकर, भृत्य, सेवक। सही ऑप्शन क्या होगा? 87 का सही ऑप्शन, देखिए आपका परिकर नहीं होगा। ठीक है, परिकर पर्यायवाची दास का नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन में। जंगम का विलोम शब्द है, अगम है, दुर्गम है, स्थावर है और यहाँ पर चंचल है। 88 का
देखिए 88 का आपका सथावर ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जंगम का, जंगम का ऑप्शन नंबर सी यानी सथावर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन, चना का तत्सम रूप है, चाणक है, चढ़ा है, चाणक है, चढ़ाक है। चना का तत्सम रूप पूछा गया है, यानी चना को संस्कृत में क्या बोलते हैं, ठीक है, चना का संस्कृत में क्या नाम होगा, चाणक होगा, चढ़ा होगा, चाणक होगा या चढ़ाक होगा, फटाफट जल्दी से बताएं, कमेंट करें और बताएं। तत्सम और तद्भव से आपको एक से दो क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या होने वाला है, हो सकता है कि इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाए या हो सकता है इनसे। देखिए आपको टॉपिक सारे मैं क्लियर करवा दे रहा हूँ कि इससे आपको परेशानी नहीं होने वाली कि यहाँ कैसा क्वेश्चन आएगा या कैसे क्वेश्चन होंगे, तो सारे आपको मैं टॉपिक वाइज बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं, केवल आपको अपनी पढ़ाई कॉन्टिन्यूसली बना के रखनी है और कुछ नहीं, प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक है। इसमें होता है चणक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करिए जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है गृध्र शब्द का तद्भव रूप है, गृध्र शब्द का तद्भव रूप है, तो गीधना दिया है, गृध दिया है, और गीधी दिया है, गीध दिया है, सही ऑप्शन क्या होगा, गृध्र शब्द का तद्भव क्या होगा, तद्भव हिंदी में सही अर्थ क्या होगा, सही अर्थ बोले तो हिंदी में हम गृध्र को क्या बोलते हैं, बिल्कुल गीध बोलते हैं दोस्तों, गीध आपने नाम सुना होगा, गीध बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए थे इस वीडियो में और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इससे भी अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, धन्यवाद वीडियो के लिए, आपका दिन शुभ रहे।